हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करेंगे। सेक्शन 11 बेसिकली डील करता है वॉइड मैरिज से। वॉइड मैरिज हिंदी में हम इसे कहते हैं शून्य विवाह। तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड मैरिज? एक ऐसा मैरिज, और मैरिज मींस हिंदू मैरिज। नाउ हु इज कंसीडर्ड एज हिंदू एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? तो हमने ये जाना कि एक ऐसा पर्सन जो बाय बर्थ हिंदू है, जो बाय रिलीजन हिंदू है वो हिंदू है, एक पर्सन जो बाय रिलीजन सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है वो भी क्या है, हिंदू है। तो वॉइड मैरिज मींस एक हिंदू मैरिज जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, अ मैरिज विच इज नॉट हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, नोन एज वॉइड मैरिज। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा मैरिज जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, नो लीगल इफेक्ट, वो क्या है, वॉइड है। यानी उस मैरिज का कोई वैल्यू नहीं है। अपने अब तक के वीडियोस में हमने हिंदू मैरिज के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 5 जो कि डील करता है कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज, जिसमें 5 कंडीशंस हैं, इस सेक्शन को हमने बेयर एक्ट के थ्रू लाइन बाय लाइन समझा है एकदम डिटेल में। अगर आप वीडियो में नए हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है। सेक्शन 7 डील करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज से। 8 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो ये बेसिकली चैप्टर 2 में आते हैं, चैप्टर 2 ऑफ हिंदू मैरिज में आते हैं। हिंदू मैरिजेस के अंडर फिर आता है चैप्टर 3, जिसमें हमें 2 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, सेक्शन 9 एंड 10। 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। इतने सेक्शंस को हमने डिटेल में कवर किया है, और मेरी ये कोशिश रहती है कि नए टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक्स को भी एक बार रिवीजन करा दूं, ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहें और आप कंपेयर करके पढ़ सको। तो चैप्टर 3 में हमें 2 सेक्शंस कवर करने होते हैं, और इन दोनों सेक्शंस को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 में, जो कि बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 11 टू 18, 11 से लेकर के 18 तक। ठीक है, 11 डील करता है वॉइड मैरिज से, 12 डील करता है वॉइडेबल मैरिज से, 13 डील करता है डाइवोर्स से, 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, 14 नो पिटिशन
ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन वन ईयर ऑफ मैरिज. 15. डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन. 16. लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस. 17. पनिशमेंट फॉर बाइगैमी. और 18. पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस. तो दीज आर द सेक्शंस विच फॉल अंडर चैप्टर 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. और इन सभी सेक्शंस को हमें कवर करना है, राइट. तो वॉइड मैरिज एक ऐसा मैरिज जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, विच इज हैविंग नो लीगल इफेक्ट. अब बेयर एक्ट कैसे डिफाइन करता है वॉइड मैरिज, आइए देखते हैं. एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. तो क्लियरली ये कहा गया है कि कोई मैरिज, और कोई मैरिज से मतलब है हिंदू मैरिज जो कि संपन्न हुआ है इस एक्ट के लागू होने के बाद. एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड. वो मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. मे ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाई आइदर पार्टी देयर टू. अगर पार्टीज टू द मैरिज में से कोई एक पार्टी कोई पिटिशन प्रेजेंट करती है बिफोर द फैमिली कोर्ट, यानी इट इज अप टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड भी पिटिशन प्रेजेंट कर सकता है, वाइफ भी पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है अगेंस्ट अदर. बी सो डिक्लेयर्ड बाई डिक्री ऑफ नलिटी इफ इट कॉन्ट्रावेंस एनी वन ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, 4 and 5. तो आइए इसे और भी सिंपल वे में समझते हैं. क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी विवाह जो कि संपन्न हुआ है, जो कि कंप्लीट हुआ है इस एक्ट के, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कोर्ट. डिक्री ऑफ नलिटी पास कर देगा कोर्ट अपॉन रिसीविंग पिटिशन बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ. अगर उस पिटिशन से ये कंफर्म हो जाता है कि जो विवाह है वो संपन्न हुआ था एंड इट वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मैरिज सोलेमनाइज बट वॉज इन वॉयलेशन ऑफ, किसके वॉयलेशन में, तो सेक्शन 5 के क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 के वॉयलेशन में. तो कोई अगर आपसे एक वर्ड में पूछे, एक लाइन में पूछे कि वॉइड मैरिज से आप क्या समझते हो, तो आप क्लियरली ये कह सकते हो कि वो मैरिज जो कि सेक्शन 5 के क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 के वॉयलेशन में संपन्न हुआ है वो मैरिज वॉइड है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है. नाउ तो यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर पिटिशन प्रेजेंट कर रहा है और कोर्ट इस बात को मान ले रहा है, कोर्ट कंफर्म कर दे रहा है कि जो मैरिज संपन्न हुआ है, जो विवाह हुआ है इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, यानी सेक्शन 11 उन मैरिजेस पर एप्लीकेबल नहीं है विच वॉज सोलेमनाइज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. ये एक बात आप क्लियर रखो. तो कोर्ट कंफर्म कर दे रहा है
कि जो पिटीशन प्रेजेंट किया गया है हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, उससे ये कंफर्म हो जा रहा है कि जो मैरिज है जो संपन्न हुआ था वो सेक्शन 5 जो कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है, जिसमें हमें 5 कंडीशंस पढ़ने होते हैं। सेक्शन 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5 के वॉयलेशन में वो मैरिज संपन्न हुआ है तो कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी पास कर देगी। आइए समझते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है। फिर से क्लॉज 1 कहता है नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी जिन दो पार्टीज के बीच विवाह संपन्न हुआ है उस दिन तक उनमें से किसी का भी पहला पति या पहला पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। तो दिस इज क्लॉज 1। यानी अगर हस्बैंड पिटीशन फाइल करता है और उसमें ये कंफर्म कर देता है कि उसे जानकारी नहीं थी और पत्नी का पहले से कोई पति था, उसकी पहले से कोई शादी थी, तो कोर्ट नलिटी ऑफ मैरिज का डिक्री पास कर देगा अगेंस्ट वाइफ और जो सेकंड मैरिज परफॉर्म करी है वाइफ ने विद द सेकंड हस्बैंड हु वाज नॉट नन अबाउट हर फर्स्ट मैरिज। तो ये डिक्री ऑफ नलिटी किसके अगेंस्ट होगा? वाइफ के अगेंस्ट होगा। सेम कंडीशन इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन हस्बैंड। अगर वाइफ ये प्रूफ कर दे रही है कि दूसरे विवाह तक हस्बैंड का पहली जो पत्नी थी वो जीवित थी तो कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज पास कर देगी। यानी जो क्लॉज 1 है सेक्शन 5 का वो एक्सोगैमी को प्रमोट करता है, एक विवाह को प्रमोट करता है। इफ अ मैरिज इट्स सोलेमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 देन दैट मैरिज इज वॉइड मैरिज हैविंग नो लीगल इफेक्ट। और क्लॉज 4 क्या कहता है? जिन दो पार्टीज के बीच विवाह हुआ है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से एक दूसरे से नहीं रिलेटेड होने चाहिए जब तक उन दोनों का कस्टम और यूसेज उस विवाह को अलाउ ना करता हो। और पांचवा कहता है कि दोनों पार्टीज टू द मैरिज सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए अनलेस देयर कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स दैट मैरिज। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और उनके बीच मैरिज हो गया है तो मैरिज क्या है? वॉइड मैरिज है। लेकिन अगर उनके कस्टम्स उनके रिचुअल्स उस विवाह को अलाउ करते हैं तो जो मैरिज होगा वो मान्य होगा भले ही डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद उनके बीच विवाह संपन्न हुआ था। पांचवा कहता है क्लॉज 5 कहता है दोनों पार्टीज टू द मैरिज आपस में सपेंड रिलेशनशिप को नहीं आते हों लेकिन अगेन इफ देयर कस्टम और यूसेज अलाउइंग देम टू परमिट मैरिज तो वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 11 वॉइड मैरिज, अ मैरिज व्हिच इज सोलेमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज नोन एज वॉइड मैरिज बट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज मैरिजेस विच वर सोलेमनाइज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक, ये था सेक्शन 11 जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ ईजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश करी।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।